हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज है मतलब सातवां नवरात्रा, तो हमारे यहाँ पे सप्तमी जो मनसा देवी है वहाँ पे जाते हैं। तो हमने मनसा देवी की जो ये है मतलब पूजा का जो पूरा फल फूल जो धूप बत्ती ये चीज़ हमने रख ली है। अब हम रेडी हो चुके हैं, घर पे सारा काम हो चुका है। आज है संडे और आज बेडशीट भी चेंज कर दिया। भाई रहेगा तब तक घर क्योंकि पापा जी जा रहे हैं खेत पे। तो फिर डूबी, आप सबसे पहले आप डूबी को दिखा देते। डूबी ले ले, गुड मॉर्निंग डूबी ले। मेथी हाँ मैं मेथी। ओए 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 ओए, जा रही है मंदिर जा रही है। देखो देखो कैसे कर रही है। और तो ये देखो भाई यहाँ पे सो रहा। और मुझे ये भी दिखाना है कि भाई बुआ जी के यहाँ पे गया था, उन्होंने क्या दिया है। और जो भाई मौसी जी के बर्थडे में यहाँ पे गया था, उनकी लड़की के बर्थडे में उन्होंने क्या दिया है। और मेरे यहाँ पे इन्हें ये सब नई चीज़ पहनी है, कुर्ती स्लैक्स और दुपट्टा। और मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन ली और दुपट्टा डाल लिया। तो फिर चलते हैं। और बेबी नहा रही हैं, बेबी इसलिए नहा रही है क्योंकि हमारे ताए के यहाँ पे पिन्नी जी माई जाएंगी। तो मतलब वैसे तो जो मतलब जो लेडीज वो होती है सुहागन होती है उन्हें बिठाया जाता है, लेकिन बेबी भी जाएंगी तो ताई ने कहा था। तो इसलिए फिर बेबी नहा रही है, उसके बाद हम मंदिर से आ जाएंगे, बेबी चली जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद और मैं अपने गांव का मनसा देवी कैसे है वो भी दिखाऊंगी। चल रही है नवरात्र तेल लगाया मेरे ठीक है, हाथ धो लिए उसके बाद। तो हमारे कान्हा जी की सुबह सुबह हो गई थी पूजा, मंदिर में विराजमान है, भोग आने के बाद लगाएंगे। तब तक हमने काम कर लिया था और देवी माँ के दर्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए तो फिर चलते हैं। कुछ फल जो पापा जी लेकर आए हैं और डूबी को देखो डूबी क्या कर रही है। डूबी डूबा सुन तो सही, सुन तो ले, सुन ले, सुन ले डूबी। कहाँ कर रही? अच्छा मैंने जीन्स पहन रखी, देख ली। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं चाय नाश्ता कर लूँ। मैं आज बैठी हूँ, मैं पूजा करके आई हूँ। और टीका देख लो, मेरा टीका भी लगला है ना टीका। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी का सीन ऐसे हैं, पापा जी जा रहे हैं ड्यूटी। वैसे तो आज वो छुट्टी लेने वाले थे, बट एक अंकल जी का फ़ोन आया है जो पापा जी से सीनियर है, उनका फ़ोन आया कि मट्ठे के लिए। तो मैंने अभी मट्ठा बुलाने के लिए रख दिया है, उसके बाद मैं पापा जी लेकर जाएंगे। और ये इयर रिंग्स देख रहे हो आप, मतलब ये मेरे इयर रिंग्स है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये वाले। और
इसके वाले इयररिंग्स उंगली ढक ली थी मां अब दिख गया नहीं इसके वाले इयररिंग्स हैं और मेरे वाले ये जिस तुम्हारे नंदी को मेरे कान दुख है अरे तो मतलब ये बहुत दूर से आए हैं हमारे लिए तो आज हमने ये पहन लिए और ये आए हैं मुंबई से मतलब मेरी जो भाभी हैं मतलब प्राची भाभी बुआजी के लड़के की वाइफ वो लेकर आए मुंबई से हम सबके लिए मतलब पिंकी दीदी के लिए रीना दीदी के लिए मेरे लिए मेसा के लिए गुड़िया के लिए सबके लिए इयररिंग्स आए हैं बहुत दूर से आए हैं तो मैंने मेसा ने कहा कि हम पूरे दिन आज यही पहनेंगे आज ही हमने पैकेट में से निकाले भाई लेकर आया था भाई का आया था ना वो लेकर आया वहाँ से तो अब दोनों हम पूरे दिन यही पहनने वाले सुंदर भी लग रहे हैं और आज सातवां नवरात्र है मेरा भी फास्ट है और ये देखो ये देख रहे हो आप डूबी कौन सी नींद है जो पूरा दिन सोती रहे मतलब पता नहीं जब से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं दिन में भी यही सोना रात में भी यही सोना और रात को नहीं और यहाँ पे लगा दिया है मैंने दूध बिलोने की मशीन मैंने नीचे रख दी ऊपर नहीं रखी ऊपर इतना स्पेस नहीं होता मैंने कभी गिर विर जाए मैंने नीचे रख दी है तो इसमें बना रही हूँ मैं मलका मसूर के साथ पापा जी से पूछूंगी चावल बनेंगे या रोटी बनेगी पापा चावल क्या रोटी हाँ खिचड़ी तो शाम बनी थी ना तो रोटी बनेगी खिचड़ी तो बनी थी शाम कान्हा जी को भोग लगा दिया ठीक है और बेबे जा रही है अभी तायर के पिन्नी बेबे मतलब पिन्नी तो नहीं जिमेंगी बस जा रही है अलग से बुलाया है उन्होंने भी तो मैंने ये बेड में से मैंने ना फ्रिज की सारी बोतल रख दी थी उठा के ये मैंने बेड में से निकाली हुई है अंकल जी को बड़ी बोतल तो है नहीं ये वाली बोतल है आप क्या करें तो अब ये वाली बोतल देनी है दो बोतल दे दूंगी और फिर हम भी हमारा भी फास्ट है हमारे लिए बच जाएंगी पापा जा रही है नहाने तो अभी फटाफट से बना लेते हैं मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट्स करके बताना कि भाभी इतनी दूर से इयररिंग्स इतने मुझे तो बहुत प्यारे लगे कमेंट्स करके बताना कि आपको इयररिंग्स कैसे लगे मेरे अच्छे लगे उसके अच्छे लगे मुझे दोनों के अच्छे लगे मैं तो दोनों एक्सचेंज करके पहनूंगी मतलब मैं कभी किसी फंक्शन में वाले पहन लूँगी कभी ये हम दोनों पहने का चाहिए ऐसे हम ड्रेस एक्सचेंज करते देखो मैंने आज उसकी टी शर्ट पहनी है उसने मेरी स्लैक्स पहनी हुई है तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद हेलो फ्रेंड्स तो अभी का सीन ऐसे है आप सोच रहे होंगे कि मैंने चेंज कर लिया जी हाँ मैंने चेंज कर लिया मैंने ये फ्रॉक पहन लिया क्योंकि वो थोड़ा जो टॉप था ना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हो रहा था तो मैंने कहा इसे चेंज कर लेते हैं तो मुझे वो जीन्स भी थोड़ी लूज आ रही थी तो मैंने अभी बेल्ट लगाई है तो मैंने एक फ्रॉक ऊपर से डाल लिया तो अभी मैं इसमें ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सातवें वाले दिन घर घर जाके सांझे जिमाई जाती है सात जिमालो सांझी मतलब देवी या फिर पाँच जिमालो तो अभी ताई जी भी आई तो मैं खाना बना रही थी मैंने कहा मैं खाना वाना बना के पापा जी गए हैं ड्यूटी भाई अभी पढ़ रहा है मेसा अभी सो गई है और बेबे अभी आ गई है ताई के यहाँ से लड्डू आए थे सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे मावे के मैंने भी खाए मेरा भी फास्ट था आज तो बेबे ने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी आने के बाद क्योंकि भाई दूध लड्डू वगैरह खा लिए केले वगैरह खा लिए तो फिर कहाँ भूख तो मैंने कहा बेबे कोई बात नहीं तेरा भी आज फास्ट लग जाएगा तो अभी मैं जा रही हूँ संजय जमाने तो निकलते हैं और मैंने इयररिंग्स अभी पहन रखे हैं तो आज मेरी बहन का मेरा चैलेंज लगेगा कि पूरे दिन में भी इयररिंग्स पहन के रखने हैं तो फिर चलते हैं और अच्छा लगता है ना जब नवरात्रि में ट्रेडिशनल सा लुक होता है अच्छा लगता है भाई हम नवरात्रों में फेस्टिवल भी आ रहे हैं रेडी होते हैं अच्छे से अपने घर में पूजा पाठ करते हैं अच्छे अच्छे फेस्टिवल को अच्छे तरीके से विधि विधान से मनाए जाते हैं तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद सब तक हम सांझी जिमा के आते हैं तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस किस के घर जाऊंगी तो चलिए मिलते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना कमेंट्स कर देना और ये देखो मेरा टीका कितना बड़ा लगा हुआ है ना पर कोई बात नहीं चलता है चलिए फिर Thank you.
अभी का सीन ऐसे है, अभी बज रहे हैं 4:15, आई थिंक 15-20 मिनट। तो अभी पापा जी ड्यूटी से आए, ड्यूटी तो आज गए नहीं थे, बस मैंने कहा था आपको व्लॉग में एक अंकल क्या है मट्ठा देने गए थे, तो उन अंकल ने हमारे लिए ये बोतल दी है कोल्ड ड्रिंक की। मैंने अंकल जी से कहा था, मैंने कहा अंकल जी मट्ठा तो दे देते, पर प्रॉब्लम क्या जाती है बोतल की, बोतल नहीं हो मतलब अरेंज कर पाते हम लोग, और अरेंज भी कर ले तो आज तो छोटी छोटी 2 बोतलें गई हैं उनके घर पर। तो फिर अंकल जी ने आज हमारे लिए ये कोल्ड ड्रिंक दिए थम्सअप। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, देखते भी हैं, तो उनके लिए मतलब धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी पापा जी लेके आए हैं सब्जी, लेके आए हैं कल के लिए। कल को हमारे 8 पूजती है हमारे यहाँ पे, और तो कल को हम जो हमारे व्रत है वो खुल जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे 8 पूजती है। तो मैं पापा जी से पूछ रही थी कंजक जिमाने के लिए, अगर देखो कंजक मिलेगी तो मैं पक्का जिमाऊँगी, क्योंकि कंजक मिलती भी नहीं है। तो भाई स्कूल नहीं, भाई स्कूल तो नहीं जाएगा, तो देखते हैं कल का सीन आपको कल की वीडियो में दिख जाएगा कंजक मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने पिछली बार जब कंजक को बुलाया था, थोड़ी सिचुएशन, आलू आएंगे यहीं से गांव में से, तभी मैं इनको वॉश करके रखूंगी। तो ये लेकर आए थे गुड़, गुड़ हमारा पिछली बार आया था, मैं अच्छा लगा था, तो इस बार मैंने मंगा लिया। तो थोड़ी चुलाई रखी हुई थी, उनके लड्डू बना लूंगी मैं से। बहुत अच्छी हवा रही बेबे। तो फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी को भोग भी लग गया है, उसके बाद हम पूजा करेंगे क्योंकि अभी। हे फ्रेंड्स, तो अभी ना हम खा रहे हैं समाई के चावलों की खिचड़ी और साथ में मट्ठा, उधर मेशा भी खा रही है, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, डूबी को भी देख लो आप। तो फटाफट से खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए, पहले आप लोग खा लीजिए उसके बाद हम खा लेंगे, चलते हैं मिलते तो फ्रेंड्स कल के लिए यहाँ पे कल बनेगा हलवा चना, तो हमने कल के लिए चने भिगो दिए हैं, कल चना हलवा बनेगा भोग के लिए और बहुत ही शुभ माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी का सीन ऐसे है, पापा जी ने भी खाना खा लिया, तो मलका मसूर रखी हुई थी दोपहर की दाल, भाई गया था एक बर्थडे पार्टी में, तो वो अभी आ गया है। तो बस हम तीनों मतलब मैं, दादी और मेरी बहन बढ़ती थे, तो बस खाना बनाए डूबी के लिए और पापा जी के लिए, तो दोपहर की दाल रखी हुई थी, तो डूबी को जो दूध में रोटी दी है। तो इसी के साथ में इसी वीडियो को करते हैं यहीं पे दी एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार, बने रहिए, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके नवरात्रे कैसे चल रहे हैं कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और कल तो नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे लिटरली, मतलब कल हमारे यहाँ पे 8 पूजती है, तो हाँ हमारे तो नवरात्रि जो फास्ट वगैरह हमारे वो कल खुल जाएंगे। तो अभी कर लेते हैं इस वीडियो का यहीं पे दी एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज मैंने ये इयररिंग्स सुबह से ही पहन रखे हैं, तो इनका इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है, और ये आए भी बहुत दूर से हैं, मुंबई से आए हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक होता है ना कि भाई बहुत दूर से आए हैं, तो भाभी को एक बार फिर से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद लाने के लिए, मतलब फिर भी इतना ध्यान रखने के लिए। तो आप हर बार जाते रहिए और हर बार हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते रहिए होंगे, मतलब रहते लाते रहना। तो अभी इस वीडियो को करते हैं हैप्पी दी एंड, और अभी मैंने उतार देती हूँ, मैंने सुबह से पहन रखे, एक चैलेंज सा हो गया है, इसने तो उतार दिए थे मतलब दिन में ही, शाम के समय मैंने नहीं उतारे हैं, लेकिन इनका लाइट वेट बहुत है, पता ही नहीं चल रहा पहनने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और उम्मीद करिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डे बाई डे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ एक बार मैं बोल देती हूँ, तब भी मुझे आप कमेंट्स कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो तब भी आप मुझे कमेंट्स कर रहे हो, तो आपके पास उसका रिप्लाई, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो मेरी वीडियो कैसी लगती है, उसका रिप्लाई मैं आपको 3 या 2 मिनट में दे दिया करूँगी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, तो 2-3 मिनट में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, तो आप मेरी गलतियाँ अच्छाइयाँ भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।